हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। मुंब्रा के आनंद कोलीवाड़ा में सीवरेज लाइन का काम शुरू है, और जिस पर एतराज जताते हुए NCP कार्यकर्ता रेहाना सैयद ने काम रुकवा दिया। रेहाना सैयद का आरोप है कि साई मंदिर से लेकर बोरी समाज के हॉल तक का ये सीवरेज लाइन का काम हो रहा है, मगर दीप इमारत के पास 1 साल पहले ही काम हुआ था और उसे खोद दिया गया है। इसी खुदाई की वजह से रेहाना सैयद और कई महिलाओं ने काम को रुकवा दिया, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया जिसका नाम है नवाज। काफ़ी देर तक काम रुका रहा कि यहाँ से सीवरेज लाइन नहीं डालने दिया जाएगा। पहले से ही गटर यहाँ पर था, तो अब यहाँ पर खुदाई क्यों की गई, जिसके वजह से कई घरों के पानी के पाइपलाइन भी टूट गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि सीवरेज लाइन अलग से डाला जा रहा है और बारिश का पानी गटर से अलग होकर जाएगा, मगर काम जो किया जा रहा है वो जैसा चाहिए, जितना गहरा खोदकर बनाना चाहिए ये सीवरेज लाइन, उतना यहाँ पर खुदाई, उतनी गहराई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर गहराई काफ़ी कम है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ, और हंगामा होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर जब वहाँ पहुँचा फिर दोबारा काम शुरू किया। पूरा भार आएगा ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना सैयद है। क्या मामला, इधर क्या करोगे? मामला ये है कि ये लोग अब तक यहाँ का ड्रेनेज लाइन वगैरह सब काम चालू था, अभी ये हमारे बिल्डिंग की ड्रेनेज लाइन में बोलते हैं हम लोग थोड़ा सा ही तोड़ के इसलिए बनाएंगे, जो बना हुआ रास्ता था, बना हुआ रास्ता और ड्रेनेज लाइन हमने अब भी बनाया था पिछले साल, पूरा अच्छे से लाइन पानी पास हो रहा है, सब हो रहा है। ये लोग आके सवेरे बिना पूछे वहाँ पर पूरा तोड़कर और पाइपलाइन वगैरह तोड़ के, पीने की पाइपलाइन तोड़कर यहाँ से चले गए। हमने अभी कॉन्ट्रेक्टर को बुलाया तो 2 मिनट बोल के हैं ना इनके बंदे लोग बैठे यहाँ पे, 2 मिनट बोल के 3 घंटे से खड़े हम। हमारा यही था कि उनको समझा दे कि भाई बना हुआ है, आप इनको मत बनाओ, जो खराब काम है साइड का वगैरह उसी को बनाओ से। तो अभी काम रुकवा दिया? हाँ, अभी मैंने उसको अपने काम को रुकवा दिया है कि भाई तुम्हारे कॉन्ट्रेक्टर को लाओ ताकि हम उनको समझाए, बात करें, डिस्कस करें। काम करने से हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फोन पे कुछ बात हुई, फोन पे बात हुई, बोले मैडम मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, अभी 3 घंटे हो गए मुझे। क्या नाम है कॉन्ट्रेक्टर? महेंद्र। क्या नाम है? धनंजय। धनंजय। आप लोगों ने ये गली में दीप बिल्डिंग के साइट का जो सीवरेज लाइन है इसका काम आप लोग पहले कराए थे? अभी गए साल कराया है, मैं ही सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे। तो अभी फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम हो रहा है, इन लोगों ने फिर खुदाई की? ये लोगों ने खुदाई की, लेकिन पूछना तो चाहिए ना, कम से कम पूछे नहीं, कुछ नहीं, सबके पाइप लाइन गए हैं, ड्रेनेज लाइन गए हैं उसमें से अंदर, वो भी सब टूट चुके हैं ना, तभी लोगों को जो नुकसान हुआ कौन भर के देगा, और हमारा तो कपड़े क्लियर लाइन था वो, और वो आगे का जो चीज बना जहाँ गटर बह रही है, नाले बह रहे हैं, और लोग कहाँ है, बिल्डिंग के लोग तो है नहीं, नहीं, नहीं आप अकेले हो यहाँ पे? अकेले नहीं, इधर आओ। अभी सब लोग उतर रहे थे, उसका इंतजार कर करके इधर आओ, इधर आ जा, नहीं तो इधर आ जाओ भाभी। हाँ, पानी एकदम गर्म निकल रहा है। क्या नाम क्या है आपका? नीता। क्या तकलीफ क्या है अगर ये बनाया जा रहा है तो? क्या हम भी बनाएगा, तोड़ दिए नया है ना, जो जहाँ गरज है वहाँ पे करो ना, मतलब जहाँ बनाना चाहिए वहाँ नहीं बना रहे, बना रहे। ये देखो अभी ये भी तोड़ दिए, किसका है क्या पता नहीं है, वो आ गए इस्लामुद्दीन में, अभी ये पाइपलाइन की पाइपलाइन भी तोड़ दी है, कौन बनाएगा वो भी?